हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम बैक इन द वीडियो। नाउ इन दिस वीडियो बात करने वाले हैं कि जो भी लोग जैसे वोकैबुलरी को लेके या इंग्लिश ग्रामर को लेके या फिर स्पीकिंग को लेके आपके जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको एकदम सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि डेली जो डेली बेसिस पे यूज सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाया जाए। तो नाउ जैसे कि ये सेंटेंस हैं इनको डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इनका रिटन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ग्रामर तो आपको आनी सीधी सी बात, अगर इनको पढ़ोगे तो ग्रामर तो आएगी। अगर बात करें मुझे हाथ लगा के दिखाओ, डेली बेसिस पे बोलते हैं ना किसी से कोई झगड़ा हो जाए तो आप बोल सकते हो मुझे हाथ लगा के दिखाओ या मुझे हाथ तो लगा के दिखा, ऐसे बोलते हैं ना। और दूसरा मुझे जाके दिखाओ या फिर जाकर दिखाओ, एक ही सेंस है दोनों का। मुझे पीट के दिखाओ, मुझे अपना रिजल्ट दिखाओ, मुझे नाच के दिखाओ एंड ऑल। इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके लिए आप अगर इनको डेली बेसिस पे यूज़ करते हो तो आप इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग और ग्रामर आप तीनों एक साथ सीख सकते हो मेरे साथ। तो नाउ इनको वन बाय वन बनाते हैं। तो नाउ अगर आप इनको बनाना जानते हो तो कमेंट करके मेरे साथ ही साथ बनाओ। जैसे कि मुझे हाथ लगा के दिखाओ, तो इसका सिंपल से स्ट्रक्चर दिखाओ अगर पीछे दिख रहा है तो इसका सिंपल से आपको क्या लगाना है, मुझे दिखाओ। इनके लिए हर सेंटेंस में एक फ्रेज यूज होने वाला है, वो है क्या, सोमी मुझे दिखाओ। इसका मतलब होता है मुझे दिखाओ। अब क्या दिखाने की बात चल रही है वो यहां पे लिखना पड़ेगा। मुझे हाथ लगा के दिखाओ, टू टच। मुझे हाथ लगा के दिखाओ, मुझे जाके दिखाओ, तो मुझे दिखाओ तो इसके लिए अगेन क्या, शो मी, जाके जाने के लिए टू गो। उसे पीट के दिखाओ, इसमें मुझे दिखाओ नहीं आ रही, उसे दिखाओ, तो क्या करना है इसमें, शो हिम टू बीट, शो हिम टू बीट। उसे अपना रिजल्ट दिखाओ, कहते हैं ना उसे अपना रिजल्ट दिखाओ या मुझे अपना रिजल्ट दिखाओ, जो भी है, तो मुझे अपना रिजल्ट दिखाओ तो यहां पे सिंपली हम बोलेंगे शो मी, रिजल्ट दिखाओ अपना योर रिजल्ट, शो मी योर रिजल्ट, अपना रिजल्ट मुझे दिखाओ, मेक सेंस। मुझे नाच के दिखाओ, बोलना है ना किसी से, मुझे नाच के दिखाओ, मुझे गा के दिखाओ, मुझे बोल के दिखाओ, जो कुछ भी आपको बोलना हो उसके लिए आपको शो मी और जो भी नेक्स्ट बोलना हो वो आपको चिपका देना एज इट इज़ इंग्लिश बोलने के लिए। इंग्लिश इज़ नॉट टफ, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि शो मी टू डांस, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैनेज कर लेना, मैं बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल यही, शो मी टू डांस, मुझे नाच के दिखाओ। ये है मुझे, मुझे वीडियो लाइक करके दिखाओ, लाइक भी कर दिया करो यार, मुझे वीडियो लाइक करके दिखाओ। ये सेंटेंस आपके लिए है, आप इसको अगर बना पाते हो तो समझ लेना कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपकी इंग्लिश पे पकड़ बन रही है। अगर इस सेंटेंस को किसी ने सही बनाया कॉमेंट में बताना है आपको, किसी का भी अगर ये सेंटेंस सही निकला तो उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।